दोस्तों, क्या आप नपुंसक हैं? क्या आपकी कमजोरी आपकी परेशानी बन गई है? क्या आप मसाने की गर्मी से परेशान हैं? क्या आप नामर्द हो चुके हैं या क्या आप बिल्कुल बेकार हो चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त वाला। और आज मैं इस वीडियो में केवल एक औषधि से आपकी जो सेक्स पावर है, नपुंसकता है, उसको ठीक करने का ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा, कोई जिंदगी में बता नहीं सकता और ना ही किसी ने बताया होगा कभी आपको। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये तो मेरा हक बनता है कम से कम इतना, क्योंकि मैं पूरा पूरा रात दिन आपके लिए इतने अच्छे अच्छे उपाय लेकर आता हूँ, नुस्खे लेकर आता हूँ। भाई, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, ना करो तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, जोर जबरदस्ती तो है नहीं, ठीक है। चलो अब बताते हैं केवल एक औषधि से आपको किस तरह से नपुंसकता, मर्दाना ताकत वापस दिलाई जाए, नपुंसकता आपकी खत्म करी जाए, आपके मसाने की गर्मी को खत्म किया जाए, आपके धातु के पतलेपन को खत्म किया जाए, आपकी जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट आपका ठीक किया जाए, स्पर्म आपका डाउन हो चुका है, स्पर्म काउंट आपका कम हो चुका है, उसको उच्च लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए, ये जो उपाय है ये बहुत ही जबरदस्त। भाई साहब, एक बार आपने अगर कर लिया तो वारे के न्यारे, इसका मतलब कोई जवाब नहीं, लाजवाब। चलिए अब बताते हैं क्या करना है आपको। आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम करना, छोटी पीपल जिसे बोलते हैं, छोटी पीपल। अब कई लोगों ने मुझे कमेंट की कि ये भाई छोटी पीपल, पीपल माने पीपल का पेड़, पीपल के पत्ते, पीपल की छाल। नहीं नहीं नहीं, मैं जहां भी पीपल का पेड़ बोलूं वहां पे पीपल का पेड़ है जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन जहां पे छोटी पीपल, बड़ी पीपल बोले वहां पे पीपल अलग होती है। वो इतनी बड़ी बड़ी, छोटी वाली इतनी बड़ी होती, बड़ी वाली इतनी बड़ी होती है, छोटी वाली पतली पतली होती, बड़ी वाली मोटी मोटी होती है, ये होता है। तस्वीर दोनों की सेम होती है, लेकिन छोटी पीपल हम ज्यादा औषधियों में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। ये इसकी तासीर थोड़ी ज्यादा है भी, मतलब ज्यादा होती है, तासीर ज्यादा अच्छी होती है, ये ज्यादा अच्छी होती है, कहने का मतलब ये है। तो आपको पीपल लेनी, ना कि पीपल के पेड़ के पत्ते, फल फूल, कुछ नहीं लेना। पीपल का पेड़ जो आपके खेतों में बाहर पूजा करते हैं उसका कुछ नहीं लेना है। मार्केट में जाना पंसारी की दुकान से, उससे बोलना है भाई साहब मुझे 250 ग्राम पीपल छोटी वाली दे दो, और 250 ग्राम मुश्किल से आपको 100 रुपए की मिलेगी। 100 रुपए उसको पकड़ाओ, बल्कि 80-60 रुपए की मिल जाएगी, 100 रुपए उसको पकड़ाओ और उसे 250 ग्राम पीपल लेकर आ जाओ। अब आपको क्या करना है, वो थोड़ी पीसने में मुश्किल होती है, पीसती नहीं है। आपको क्या करना है, उसको पहले एक तवा गर्म करना है, तवे को चूल्हे पे रखना है, गर्म करना है, उस तवे पे उस पीपल को डाल देना और ऊपर से कुछ ढक्कन वगैरह रख देना और धीरे धीमे धीमी आँच जलाना, जिससे वो जल ना जाए, बस उसकी उसके अंदर की जो सर्दी है वो निकल जाए। जब वो कड़क हो जाए, ऐसे टूटने लगे, फिर आप उसको खलल में डाल के या फिर आप मिक्सी में डाल के उसको पीस लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीपल पिसती नहीं है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं पिसती है। अगर आप ये क्रिया नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। फिर इसको कूट लेना, पीस लेना, पीस के पाउडर कर लेना, छान के एक डब्बी में भर के रख लेना। अब आपको इसकी मात्रा मैं बता देता हूँ। आप कितनी, 250 ग्राम लेकर आए थे ना, 250 ग्राम आपने बना के तैयार कर ली, 250 ग्राम औषधि आपकी बन के तैयार हो गई। इसकी एक चम्मच भर मात्रा 2 से 3 ग्राम, 3 ग्राम की मात्रा में रोजाना सुबह और शाम, या आप रात को सोते समय, या सुबह खाली पेट, शाम को रात को सोते समय, इन दो टाइम आप ले सकते हो। अगर ज्यादा समस्या तो दो बार लो, जब कम समस्या तो एक बार, मतलब लेते तो रहो ही अगर समस्या है तो, जैसे लिंग नहीं खड़ा होता है, लिंग की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जरूरी नहीं है लिंग वाली समस्या, मसानी गर्मी है और भी टाइमिंग की कमी है, इसको खत्म करने के लिए ही ये नुस्खा है। एक चम्मच भर 3 ग्राम की मात्रा में ऐसे रखी, फंकी मारी, ऊपर से 1 गिलास दूध, बढ़िया वाला, एकदम चारी मलाई वाला, बस पी जाओ। यही करना है लगातार 8 से 10 दिन तक, या पूरा 250 ग्राम खत्म कर दो। 250 ग्राम खत्म करोगे नहीं कि मर्दाना ताकत के राजा अगर नहीं बन जाओ तो मुझसे मेरा नाम फेर के रख देना कि ये जय भाई तुम बेकार वीडियो बनाते हो और वीडियो बनाना छोड़ दो। मैंने वीडियो बनाना छोड़ दूंगा मैं, आप बोल देना, बता देना, लेकिन उससे पहले यूज जरूर करके देख लेना एक बार इस उपाय को। अगर काम ना करे तो मुझसे कहना,
इसको बेकार मत समझना मेरे भाई, मैंने बहुत लोगों को दिया है ये, और ये उपाय कारगर है, कारगर सिद्ध हुआ है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि ये भाई मतलब कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, एकदम जबरदस्त वाली चीज बताते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन अगर किसी को लिंग की समस्या है, लिंग से संबंध परेशान है, लिंग का ढीलापन, छोटापन, टेढ़ापन और स्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो तिला 49 जड़ी बूटी वाला एक बार यूज जरूर कर लें। ए जे आयुर्वेद, ये अपना खुद का बनाया हुआ तिला है, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हो, मैंने बना के तैयार कर रखी है। जब बनाता हूँ मैं इसको, इसमें केचुए वगैरह सब कुछ होता है, बहुत बहुत ज्यादा औषधियां होती हैं, और एक तिला संख्या भी, उसमें केचुए वेचुए नहीं होते हैं। जो लोग घृणा करते हैं उनके लिए अलग तिला है, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए अलग। लेकिन घृणा मत करना, क्योंकि इन चीजों से जो मिलकर बनता है, चीज बनती है, उसकी बात ही अलग होती है यार, आप कहोगे। और टाइमिंग के लिए, आपके लिए टाइमिंग, अगर टाइमिंग की कमी है तो उसके लिए एजे आयुर्वेदा, देखो हमारी बनी हुई है, खुद इस पे कोटिंग की है स्वर्ण भस्म का, और ये इधर ये चिपकी हुई है, तो एक ही है, एक क्यों देखो है इसमें, इसमें ये कोटिंग करी हुई है। ठीक है, तो अगर टाइमिंग के लिए कुछ चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको, और लिंक से संबंधित कुछ चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको। कांटेक्ट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, इधर भी नंबर दिया गया होता है, बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब भी धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का।